स्वागत है आपका पिक्सल वेक्टर ग्राफिक्स पे। नमस्कार, मैं सुमित और गिम्प के एक और टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो के साथ फिर से मैं आ गया हूँ। और आज की वीडियो में हम देखेंगे फैदर। फैदर बहुत ही छोटी सी चीज है, पर है बहुत ही यूजफुल चीज। किस तरह से कैसे यूज में लेंगे, बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे आज की वीडियो में। पर उससे पहले छोटी सी गुजारिश मैं करूंगा, फर्स्ट टाइम आए मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। लाइक करके हमें सपोर्ट कीजिए ताकि इस तरह के वीडियोस आगे भी हम कंटिन्यू करते रहें। तो स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का, ये स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देख रहे हैं फैदर को, छोटी सी चीज़ है पर है बहुत ज़्यादा यूजफुल चीज़। इसको समझाने के लिए मैं एक ट्रांसपेरेंट लेयर ले रहा हूँ और एक सेलेक्शन टूल मैं ले रहा हूँ, एलिप्स सेलेक्ट टूल। पिछली हमारी वीडियो थी एलिप्स सेलेक्ट टूल और रेक्टेंगल सेलेक्ट टूल, इन दोनों ही टूल को पिछली वीडियो में हमने देखा था, बहुत डिटेल में देखा था। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आगे बटन में आपको लिंक मैं दे दूंगा, उस वीडियो को ज़रूर देखिए। एक चीज़ याद रखिए कि फैदर तभी आपको प्रॉपर्टी में दिखेगा जब तक आपने कोई सेलेक्शन टूल एक्टिवेट नहीं किया है। याद रखिए, सेलेक्शन टूल एक्टिवेट करेंगे तो ही प्रॉपर्टी में आपको फैदर एजेस दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। हाँ, एक जगह और मिलेगा आपको फैदर, कहाँ मिलेगा मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे एक सेलेक्शन बना लेता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। और इसमें मैं चाहता हूँ जी बिना फैदर के एक फिल को मैं अप्लाई करूं, तो मैं फोरग्राउंड में आ रहा हूं, ब्लू कलर ले रहा हूं और एक ब्लू कलर को मैंने बिना फैदर के साथ अप्लाई कर दिया। सेलेक्शन को मैं नन कर रहा हूं कुछ इस तरह से। एक और मैं लेयर लूंगा और यहां पे एक और मैं सेलेक्शन बनाऊंगा, ठीक है, इस बार फैदर के साथ। तो मैं यहां पे फैदर को इनेबल कर देता हूं। एक चीज याद रखिए, जब भी आप सेलेक्शन बनाते हो पहले फैदर को, या फिर सेलेक्शन बनाने के बाद यानी कि फिल देने से पहले फैदर को अप्लाई जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो फैदर को अप्लाई कर रहा हूं मैं और रेडियस आपको ऐसा नहीं मिलेगा, रेडियस यहां पे आपको मिलेगा 10 के आसपास मिलेगा आपको, कुछ इस तरह से, ठीक है जी। मैं 10 पे ही रख के एक इस तरह से सिलेक्शन बना रहा हूं ऐसे, और इसमें भी मैं कोई दूसरा कलर अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है जी। और यहां पे मैंने रेड कलर लिया और कलर फिल मैंने दे दिया, ठीक है। सेलेक्शन को फिर से मैं नन करूंगा, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाऊंगा। तो यहाँ देख सकते हो कि जी देखिए, यहाँ पे रेड में हमने फैदर लिया था तो इसकी जो एजिस है वो स्मूथ आ रही है, ब्लू में हमने फैदर नहीं लिया था तो उसकी एजिस हार्ड आ रही है। तो फैदर को आप वहां पे यूज में ले सकते हो जहाँ पे आपने सेलेक्शन बनाया हुआ। याद रखिए, सेलेक्शन में ही आप फैदर को यूज में ले सकते हो। एक और चीज, आपने किसी इमेज का सेलेक्शन बनाया है और आप चाहते हो जी उस इमेज की एजिस में थोड़ा सा स्मूथ बना जाए, या आपने कोई बारीकी के साथ सेलेक्शन बनाया है तो आप चाहते हो जी इस तरह से स्मूथ आए सेलेक्शन में, तो हाँ आप वहाँ पे फैदर को ले सकते हो। पर याद रखिए, फैदर की जो वैल्यू है वो कम से कम आप रखोगे 2 और 3 के आसपास ही रखोगे, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट जो 10 आपको मिल रहा है वो कभी नहीं लेना, वो बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा अगर अप्लाई करेंगे तो वो आपको रिजल्ट बेकार ही देगा, ठीक है। तो फैदर का और कैसे किस तरह से यूज में लेंगे, चलिए ये देख लेते हैं। इसके लिए मैंने एक और डॉक्यूमेंट को ओपन किया हुआ है, यहाँ पे मैंने एक इमेज को ओपन किया हुआ है। अब देखिए, फैदर का यूज आप वहां पे भी कर सकते हो जहाँ पे आपने किसी इमेज से कुछ कॉपी करना है। तो मैं ये करूंगा कि जी मैं यहाँ पे एलिप सेलेक्ट टूल को मैंने लिया हुआ है और मैं एक सेलेक्शन कुछ इस तरह से बना रहा हूँ, और जी मैं इसको यहाँ कहीं रख देता हूँ ऐसे, और मैं ये चाहता हूँ कि जी इसकी चारों तरफ से एजेस में फैदर आए इसकी कॉपी करते हुए। तो मैंने पहले से ही फैदर को अप्लाई किया हुआ है। फिर से मैं कह रहा हूं कि जब भी आप सेलेक्शन बनाते हो या सेलेक्शन से पहले आपने फैदर एजेस को लेना है, आप कलर अप्लाई करते हो या फिर उस सेलेक्शन की कॉपी करते हो उससे पहले आपने लेना है। तो फैदर रेडियस को मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं
ऑलराइट, तो मैंने 39 के आसपास यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है। अब मैं इसकी कॉपी करूँगा, मैं आ जा रहा हूँ एडिट कॉपी, और फिर से मैं जाऊँगा एडिट पेस्ट एज न्यू लेयर। तो मैं अगर नीचे वाला हाइट कर दूँ और इसका सिलेक्शन मैं नन कर दूँ, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, तो ये देखिए यहाँ पे फेदर आ चुका है। ठीक है जी, इसको और अच्छी तरह से दिखाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट लेयर लेके यहाँ पे कुछ और कलर मैं अप्लाई कर देता हूँ। इस तरह का एक ग्रे कलर ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से फेदर नजर आए। ठीक है जी, इसको मैं नीचे लेके जाता हूँ। अब मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा होगा कि फेदर अप्लाई हो चुका है। यही नहीं, आप कॉपी के अलावा डिलीट करते हुए भी फेदर ले सकते हो। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ। ठीक है, इस लेयर को फिर से मैं शो कर रहा हूँ और फिर से मैं एक और सिलेक्शन बनाऊंगा। ठीक है, मैं रेक्टेंगल सेलेक्ट टूल ले रहा हूँ। इस तरह से मैंने सिलेक्शन बनाया और इस सिलेक्शन को मैं यहाँ पे लाकर रख रहा हूँ। ठीक है जी, अब मैं ये चाहता हूँ कि जी मैं इसकी डिलीट करते हुए फेदर भी लूँ। ठीक है, इसके बाहर का जो हिस्सा है, जितना सिलेक्शन के बाहर का, वो डिलीट भी हो जाए और मुझे फेदर भी मिल जाए। तो ऐसे में क्या करेंगे, फेदर को अप्लाई करेंगे। ठीक है, फेदर को मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो लीजिए फेदर अप्लाई हो गया और मैं इसकी रेडियस को बढ़ा रहा हूँ। ठीक है जी, 79 के आसपास मैंने एक वैल्यू दिया। अब मैं चाहता हूँ जी बाहर का ये डिलीट हो जाए और अंदर का जितना सिलेक्शन है वो रह जाए और एजेस में फेदर भी अप्लाई हो। तो ऐसे में क्या करेंगे, सिलेक्शन को इन्वर्ट करेंगे, यानी कि उल्टा करेंगे। उसके लिए जाएंगे जी सेलेक्ट एंड इन्वर्ट, कंट्रोल आई है इसका शॉर्टकट। अब हम डिलीट करेंगे तो ये बाहर का डिलीट हो जाएगा, पर उससे पहले एक चीज याद रखिए कि लेयर को ऐड अल्फा चैनल में आपको करना होगा। ऐड अल्फा चैनल है, क्यों किया जाता है, इसके लिए पिछली एक वीडियो थी हमारी, नहीं दिखा है वो वीडियो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई के बटन में आपको लिंक मैं दे रहा हूँ, उस वीडियो को जरूर देखिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ इसी के ऊपर और ऐड अल्फा चैनल में इसको लेके जा रहा हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब हम इसको डिलीट करेंगे तो ये देख सकते हो। ठीक है, मैं सिलेक्शन को थोड़ा सा नन कर दूं तब आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो ये देख सकते हो जी आप फेदर। ठीक है जी, ऑलराइट, एक और मैं काम करूंगा, अंडू कर रहा हूं मैं और सिलेक्शन को मैं नन करूंगा। ठीक है जी, एक और तरीके से आप यूज में ले सकते हो। अगर आपने यहाँ पे कोई सिलेक्शन टूल यूज नहीं करना है, फॉर एग्जांपल मैंने मूव टूल ले लिया, तो जैसे मैंने मूव टूल लिया या मूव टूल की प्रॉपर्टी में आप देख सकते हो कि फेदर का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो ऐसे में क्या करेंगे। देखिए, एक चीज मैंने पहले भी कहा है कि सिलेक्शन बनाना जरूरी है। अब सिलेक्शन जब तक नहीं बनाओगे फेदर को आप अप्लाई ही नहीं कर पाओगे। एक और जगह आपको मिलती है फेदर, उसके लिए मैं जाऊंगा सेलेक्ट और यहाँ पे आपको मिलता है फेदर। ये अभी डिसेबल है, डिसेबल इसीलिए है क्योंकि हमने कोई सिलेक्शन नहीं बनाया है। अब देखिए मैं एक सिलेक्शन और बना लेता हूँ। ठीक है, मैंने इस तरह से एक सिलेक्शन बना लिया। ठीक है, ऐसे या एक काम करूंगा मैं कि यहाँ से मैं ले रहा हूँ एलिप सेलेक्ट टूल और इस तरह से मैंने एक सिलेक्शन बना लिया। ठीक है जी, इसको मैं यहाँ कहीं रख रहा हूँ ऐसे। ठीक है जी, ऑलराइट, अब मैं अगर मूव टूल ले लूँ सिलेक्शन बनाने के बाद, तो यहाँ देख सकते हो कि इसकी प्रॉपर्टी में फेदर नहीं आ रहा है, लेकिन आप सेलेक्ट में आ जाएं तो फेदर आपको यहाँ पे इनेबल मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ से अब अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि फेदर में क्लिक कर रहा हूँ, फेदर सिलेक्शन ओपन हो जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे वैल्यू दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप इसकी यूनिट को भी चेंज कर सकते हो। खैर, मैं इसको पिक्सल्स में ही देखना पसंद करता हूँ। मैं फेदर को 100 पे रख रहा हूँ। तो नीचे आ जाए तो एक और ऑप्शन आपको मिलता है, सेलेक्टेड एरिया कंटिन्यू आउटसाइड द इमेज। ये क्या करता है कि इमेज के आउटसाइड, अगर इसको इनेबल कर देंगे तो जितना आपने सिलेक्शन बनाया है उसके आउटसाइड में आपको फेदर देगा, लेकिन अगर इसको डिसेबल करेंगे तो होगा क्या, जितना आपने सिलेक्शन बनाया उसके थोड़ा सा अंदर भी और थोड़ा सा बाहर भी वो फेदर देगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिसेबल मैंने कर दिया है और मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ फेदर को। अब मैं अगर इसकी कॉपी करूँ तो एडिट कॉपी एंड एडिट पेस्ट एज न्यू लेयर।
अब मैं नीचे वाला हाइड करके दिखाऊं तो कुछ इस तरह से आपको मिल जाता है, ठीक है जी, कुछ इस तरह से। अच्छा एक चीज और मैं दिखाना चाहूंगा, अंडू कर रहा हूं मैं। अब मैं क्या कर रहा हूं कि एक नया सा सिलेक्शन मैं बना रहा हूं ऐसे करके, ठीक है जी। इस तरह से मैंने एक सिलेक्शन बना लिया और जी मैं इसकी एक कॉपी भी कर लेता हूँ। चलिए एक कॉपी करूँगा लेकिन बिना फेदर एजेस के, ठीक है। मैं कॉपी करके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ नई लेयर पे, ठीक है जी। अब देखिए मैं सिलेक्शन को भी नन कर दूंगा, सेलेक्ट है नन। अब देखिए एक सवाल किया गया था कि जी मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया और बाद में मैं चाहता हूँ जी इसमें इसकी एजेस में मैं फेदर अप्लाई करूं तो क्या मैं दे सकता हूं फेदर? हाँ दे सकते हो। उसके लिए देखिए काम ये करना होगा, मैं नीचे वाला हाइड कर रहा हूं, इसके इसमें देखिए इसकी एजेस में फेदर अप्लाई नहीं है लेकिन मुझे फेदर अप्लाई करना है। तो ऐसे में क्या करेंगे, तो ऐसे में इसको अल्फा टू सिलेक्शन में करेंगे। अब अल्फा टू सिलेक्शन क्या है, क्यों यूज में लेंगे, इसके लिए अलग से मैं भी डिटेल में भी वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए आप समझ लीजिए कि इसको सिलेक्शन में लाने के लिए अल्फा टू सिलेक्शन में आपको करना होगा। तो उसका शॉर्टकट की ऑल्ट की प्रेस करते हुए इसके लेयर के थंबनेल में आके माउस के लेफ्ट क्लिक कर दें तो ये सिलेक्शन बन जाता है, ठीक है। अब करेंगे क्या कि सिलेक्शन को थोड़ा सा अंदर की तरफ लाएंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट एंड जाएंगे श्रिंक, और श्रिंक कितना आप करना चाहते हो, मैं जी इसको श्रिंक करना चाहता हूँ 10 पिक्सल में, ठीक है। और एरिया कंटिन्यू आउटसाइड द इमेज, इसको डिसेबल ही रखेंगे क्योंकि हमें बाहर की साइड में नहीं चाहिए, हमें अंदर की साइड में चाहिए। तो मैं ओके कर रहा हूँ, तो जैसे मैंने ओके किया ये अंदर की तरफ आ गया, ठीक है जी। अब हम अप्लाई करेंगे फेदर को, तो फेदर को अप्लाई करने के लिए फिर से मैं जा रहा हूँ सेलेक्ट, और यहाँ जी इनेबल हो गया फेदर, ठीक है। याद रखिए सिलेक्शन नहीं बनेगा तो ये फेदर डिसेबल रहेगा, ठीक है जी। तो फेदर के अंदर गया और मैं 150 का पिक्सल का एक वैल्यू दे रहा हूँ और इस बार इस ऑप्शन को इनेबल कर रहा हूँ, ठीक है, और ओके कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा कि इसकी मैं एक कॉपी कर लेता हूं, कॉपी एडिट में जाकर और फिर से पेस्ट एज न्यू लेयर में कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं यहां पे लेयर के पैनल में आ रहा हूं, नीचे वाले लेयर को हाइड कर रहा हूं मैं, ठीक है, और इसके सिलेक्शन को भी मैं अब नन कर रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो यहां पे देखिए फेदर अप्लाई हो चुका है। आप कुछ इस तरह से भी यूज में ले सकते हो, ठीक है जी। बहुत ही छोटी सी चीज है पर है बहुत ही यूजफुल चीज, प्रैक्टिस जरूर रखिए और हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और किसी भी तरह का क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले गेम के टिप्स एंड ट्रिक्स में एक और नए टॉपिक के साथ फिर से हम मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।